एवरीवन, सो वी वर डूइंग ग्रुप थ्योरी। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना। तो उससे भी ना आगे थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको बताऊं मैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रिक है ये काइंड ऑफ। देखो, अगर मैं आपको बोलूं, सपोज हमने BF3 जैसे किया था, तो मैंने आपको बोला था हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होती है सब्सिडियरी एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल BF3 में हमने क्या था, यहां से क्या है, इस वाली साइड से क्या है, C3 एक्सिस है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ से कंसीडर करें, इसको कर दें यहाँ पे चेंज ऐसे करके, सपोज यहाँ पर हमने पास करें यहाँ से एक्सिस, तो इसके अगर अराउंड अगर रोटेट करती हूँ तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाली साइड है वो यहाँ पे चली जाएगी। या फिर हमने इसको इस तरह से देखा था कि अगर मैं एक्सिस यहाँ से पास कर रही हूँ, अगर हम रोटेट करते हैं तो ये तो इस एक्सिस पे ही रहेंगे, जो ये दोनों एफ वाले हैं क्या करेंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे, मतलब दो एटम्स रोटेट करेंगे, तो मतलब इसमें क्या है, C2 एक्सिस। तो अब अगर आपको यहाँ से भी C2 एक्सिस है और यहाँ से भी अगर मैं पास कर दूं तो ये भी C2 एक्सिस है, ऐसे ही यहाँ से भी है, तो आपको बार बार ना मतलब हर चेक करने की जरूरत नहीं कितनी C2 एक्सिस है। सपोज करो आपके पास जैसे C3 आ गई है, आपने देख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस है C3, अब आपको देखनी है सब्सिडियरी एक्सिस। तो अगर आपको एक भी C2 दिख जाए इसमें से, जैसे सपोज आपने C3 यहां से देख लिया कि C3 तो है, रोटेट करने से यहाँ पे C3 तो है, अब अगर आपको एक भी C2 दिख गई है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली C2 आपको दिख गई है, तो बस आपको डायरेक्ट लिख देना है इसमें कितनी होंगी, 3C2। मतलब ये है, अगर मेरे पास CN एक्सिस है तो या तो मेरे पास N नंबर ऑफ C2 होंगी या तो मेरे पास 0 C2 होंगी। मतलब अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे सपोज करो C4 है, N की वैल्यू मैं 4 रख दूं, सपोज करो मॉलिक्यूल में C4 है, तो अगर या तो मेरे पास एक भी C2 नहीं होगी मॉलिक्यूल में, और अगर एक भी C2 आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि 4C2। तो ये दो ही कंडीशन होती है, या तो एक भी C2 नहीं है, और अगर C2 एक भी है तो जितना यहाँ पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4C2 ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा BF3 है, यहां से हमने निकाल लिया है C3, उसके बाद अगर हमें एक भी C2 दिख जाए पेपर में, मतलब अगर हम इमेजिन कर पाए कि यहाँ पे C2 है, तो हमें सारी तीनों C2 देखने की नीड नहीं है कि यहाँ से भी C2 है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो आपको ये सब करने की नीड नहीं है। बस आप ये करेंगे अगर ये C3 है तो इसमें कितनी होंगी, 3C2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं PTCl4 की, यहाँ पर ClCl इस तरह से, तो आपको पता है अगर मैंने यहां से आपको लास्ट में बताया था कि अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करती हूँ तो ये सारे क्या है, सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो इसमें क्या है, C4 है। और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक्सिस पास कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट करवाती हूँ, तो ये तो तीनों अपने एक्सिस पे रहेंगे, बस ये अपनी पोजिशन चेंज करेंगे, मतलब दो एटम्स रोटेट करेंगे, तो एक C2 मेरे पास है। अगर मुझे एक C2 दिख गई है, इसका मतलब इसमें कितनी होगी, 4C2। इस तरह से हम देखते हैं, आपको एक एक करके नीड नहीं है ये देखने की कि यहाँ से भी C2 है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी C2 है और यहाँ से भी है, तो 4 C2 में प्रेजेंट है, आपको एक एक देखने की नीड नहीं है। बस अब इस तरह से देखेंगे C4, अगर एक भी C2 आपको दिख रही है, आप डायरेक्ट लिखोगे 4C2। ओके, एक तो ये वाली बात थी। जैसे एग्जाम्पल जो ये वाला है, जब CN होगा या तो N नंबर ऑफ C2 होंगे या फिर 0 नंबर ऑफ C2 होंगी, फॉर एग्जाम्पल इन द मोलिक्यूल ऑफ अमोनियम, जैसे हमने अमोनिया क्या था, NH3, यहाँ पर हमने देखा था इसमें क्या है, यहाँ से अगर मैं पास करूँ एक्सिस तो ये कौन सी है, C3 एक्सिस है यहाँ पर, है ना। अगर मैं इसको रोटेट, सपोज करो यहाँ से मैं रोटेट करना स्टार्ट करती हूँ, ये वाला H यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो बेसिकली ये तो अपनी एक्सिस पर ही है और ये तीन रोटेट कर रहे हैं, अगर तीन रोटेट करते हैं तो क्या होता है, C3 एक्सिस, तो हमारे पास अगर C3 एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप बात करो C2 एक्सिस की, तो आप कहीं से भी पास करके देख लो, आपको C2 नहीं मिलेगी। तो अगर हमें एक भी C2 नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक C3 एक्सिस है और C2 एक्सिस नहीं है। अगर आपको एक भी C2 नहीं दिखी, तो यहाँ पे कितनी है, 0 C2, तो मतलब दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो एक भी C2 नहीं होगी मॉलिक्यूल में, और अगर C2 है तो वो कितनी होगी, N नंबर ऑफ C2, अगर C4 है तो 4C2, C3 है तो 3C2, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये तो बात खत्म हुई हमारी किसकी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ना यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अगर सपोज करो C3 है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये P है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो सब्सिडियरी एक्सिस होगी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। आपको ये बात एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे सपोज करो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं,
तो अगर जो ये वाला सी फोर है यहाँ से सी फोर है तो जो सी टू है वो यहाँ से सी टू नहीं हो सकती। अगर यहाँ से हमने सी फोर कर लिया है तो जो सी टू है वो इसी वाले प्लेन से नहीं हो सकती, ऐसे आप सी टू नहीं दिखा सकते। हमेशा क्या है यहाँ से सी फोर हो गई तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि अगर मेरे ये सी टू है मतलब सॉरी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है सी फोर, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है सी फोर तो जो भी सब्सिडियरी एक्सिस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर यही होगा। फिर मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर यहाँ से मैंने ये एक्सिस पास करी है यहाँ से तो आप यहीं से सी टू नहीं दिखा सकते। क्या मुझे बोलो कि यहाँ पर मैम सी टू भी तो है, इसको आप ऐसे रखोगे उसको रोटेट कर देंगे ये वाला आइटम यहाँ पर चला जाएगा, तो ये वाली सी टू नहीं मानी जाएगी। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्सिडियरी एक्सिस है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे अगर हम बात करें पीटीसीएफ फोर की, तो अगर ये सी फोर एक्सिस है तो सी टू हमें सिर्फ यही कंसिडर करनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। एक तो ये वाली सी टू, इसको यहाँ पे सी टू मानेंगे और रोटेट कर देंगे ऐसे करके दोनों सीएल को, या फिर कौन से वाली सी टू, ये वाली यहाँ से ये दोनों एटम्स एक्सचेंज करेंगे, या फिर ये वाली सी टू कैसे इनको पूरा फ्लिप कर देंगे, ये दोनों इन दोनों की जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो भी सब्सिडियरी एक्सिस होंगी वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल लगा लो या सेम पॉइंट। जैसे यहाँ से अगर हमने सी फोर पास करी है तो सी टू आप यहीं से पास नहीं कर सकते। अगर आप यहीं से सी टू भी दिखा रहे हो तो इसका मतलब है सब्सिडियरी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है, तो कभी भी पैरेलल नहीं होती है। आपको इसका ध्यान रखना है कि वो हमेशा क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर। हो सकता है आपके यहां से दिखे कि इस वाले एटम को रोटेट कर दूं यहां से, तो ये हो सकता है कि अगर हम 180 रोटेट करें तो ये डायगोनली चेंज हो जाएंगे, तो वो वाले सी टू लेकिन हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा ही केस यहाँ पर बी एफ थ्री में भी है, हमारी सी थ्री यहां से है तो हमारी सी टू यहां से नहीं हो सकती, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये सी थ्री है तो ये सी टू है जो कि इसे क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे क्या है 90 डिग्री का एंगल है बीच में, तो ये वाली भी ऐसे ही ये वाली सी टू और ये सारे क्या है इसके परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये तो हमारा खत्म हुआ क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें सीखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मुझे लगता है सिर्फ अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई है तो बाकी सबको समझ में आ जाएगा, सब इजी होता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बहुत ही इजी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस बोलते हैं इसको अगर हम। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री तीन टाइप की होती है, वर्टिकल पीओएस, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल पीओएस। इनका डिफरेंस आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बट जब हम पॉइंट ग्रुप निकालेंगे और जो कि जनरली पेपर में आते भी है पॉइंट ग्रुप निकालने, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका डिफरेंस समझ में आए। ये होता है डायहेड्रल पीओएस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल को सिग्मा पी, इसका मतलब है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये डायहेड्रल सिग्मा टी, डीफोर डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है इसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे अपना फेवरेट वाला वॉटर मॉलिक्यूल। यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कैसे होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हम देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और एक कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो क्या करे सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करे मॉलिक्यूल को। मतलब जितना हमें इस तरफ दिख रहा है मॉलिक्यूल वैसा ही हमें इस तरफ भी दिखना चाहिए, तो मतलब हम सिमेट्रिकली करना था तो बिल्कुल सेम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना होता है कि इसको भी हम क्या करेंगे, हमेशा ही सिमेट्रिकली पास करेंगे, बस क्या होता है रिफ्लेक्ट करती है चीजें बिल्कुल सेम है। बस सपोज करो उसको मैं यहां से कट कर दू, अब पीओएस का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कई बार यहाँ मिरर इमेज की तरह भी देखते हैं कि सपोज करो मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से कट कर दू। अच्छा एक और बात आपको एक चीज पता होगी लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि जितने भी एटम्स होते हैं हमारी केमिस्ट्री में उनको हम कंसिडर करते हैं वो कैसे है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन को मैं क्या मान सकती हूँ बॉल कंसिडर कर सकती हूँ इस तरह की, और ये भी क्या है एक बॉल है इस तरह की, ऑक्सीजन ये भी एक बॉल है। तो हमारे पास क्या है बेसिकली यहाँ पे तीन बॉल है, दो बॉल सेम साइज की है एक ऑक्सीजन है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब क्या होता है अगर इसको मैं यहां से कट कर दू, सपोज यहां से अगर मैं कट कर दू तो क्या होगा, सपोज करो ये बॉल है एक, इसको अगर मैं कट कर दू ना तो क्या होगा, बॉल बिल्कुल इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, मुझे कैसे दिखेगी इस तरह की। आप
समझ रहे हो, एक ऐसे स्फेरिकल बॉल थी उसको मैंने सेंटर से कट कर दिया, तो मुझे कैसे दिखेगी, इस तरह से उसके दो पीसेस हो चुके हैं। तो आपको ऐसा ही ये भी कंसीडर करना है कि जैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब समझ जाओ कि आपको इसको कट कर देना है, ये वाली बॉल जो है वो हाफ हो जाएगी। अगर हाफ होगी तो जैसे यहाँ पर दिखेगी इस साइड पे, हमें वैसे ही इस साइड पे दिखेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल को एकदम सेंटर से कट कर दो, सेंटर से मतलब सिमेट्रिकली कट करना है। जैसा हमें लेफ्ट साइड पे दिखे मॉलिक्यूल, वैसा ही हमें राइट साइड पे भी दिखना चाहिए। तो इसको अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो क्या होगा, अगर मुझे लेफ्ट साइड पे ये वाली बॉल दिख रही है हाइड्रोजन वाली, तो राइट साइड पे भी तो है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक मिरर जैसा है, अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं तो मिरर में मुझे इसकी इमेज दिखनी चाहिए, वो इमेज किसकी बनेगी, इसकी, इस तरह से। मतलब आप ये कंसीडर करो कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है मेरे सामने, अगर यहाँ पे मैं मिरर लगा दूं तो ये एच क्या, जो इसकी इमेज है, अगर ये वाली क्या होगी मिरर इमेज, अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो ये एच मिरर में इस तरह का दिखेगा। तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जो ये वाला है, अब ना देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ लिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो हमारा होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और डायहेड्रल मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये वाला हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिफरेंस क्या है। अब देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ वॉटर मॉलिक्यूल की, हमने अब तक निकाल लिया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं यहाँ से एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पास करूं यहाँ से, तो क्या होगा, मतलब इसको मैं यहाँ से पास कर दूं, मैं रोटेट कराऊंगी तो क्या होगा, ये वाला जिसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, सी टू एक्सिस, तो इसमें क्या है, यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पैरेलल होगा, मतलब जहां से सी टू है अगर वहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे जो दिखेगा वो होता है हमारा पैरेलल वाला, कौन सा होता है, वर्टिकल। तो अब क्या है, देखो अगर मैं ऐसे डॉट से लगा लू, उसका मतलब है मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ मतलब ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहां से हमारी सी टू थी, अब मैंने यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया है, क्योंकि देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या था, हमने सिमेट्रिकल पास की थी, और ऐसे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो भी हम सिमेट्रिकली पास करते हैं, मतलब दोनों साइड हमें सेम से दिखना चाहिए। तो आपने जैसे ही यहां से पास किया तो बिल्कुल मॉलिक्यूल हाफ हाफ हो गया है दोनों साइड, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या है, पैरेलल है हमारे सी टू एक्सिस के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा वी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब वो हम कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। अच्छा हाँ, एक और बात है, मैंने आपको बोला है कि क्या होती है, बॉल्स की जैसे होती है, बॉल्स मतलब थ्री डी में अगर इमेजिन करो इस तरह की बॉल होती है। अगर मैं यहाँ पे तीन बॉल कंसीडर करूं, एक मेरी ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब जैसे मैंने इसको सेंटर से कट किया है, आप समझ पा रहे हो, मैंने इसको यहाँ पर रखा अपने हाथ में, यहाँ पर एक ही वाली बॉल ऑक्सीजन है, ये वाली एच यहाँ पर है, ये एच यहाँ पर है, ऐसे थ्री डी में। तो एक तो मैंने सेंटर से कट किया है, तो सिर्फ ये वाली बॉल कट हुई है, ये दोनों वैसे की वैसी है। तो एक तो ये वाला है मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल वाला। अब आप देखो मैंने ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे एक सपोज करो यहाँ पे एक बॉल है, एक यहाँ पर बॉल है। अब मैंने क्या किया है, प्लेन को इस तरह से पास किया है, ये वाली बॉल इस तरह से कटी है, मतलब अगर ये ऐसे है तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, थ्री डी में, मतलब आप समझ लो कि जैसे अगर ये बॉल है तो इसको सेंटर से कट कर, सेंटर से मैंने पूरा कट कर दिया है, तो पहले जैसे लेफ्ट राइट हो रही थी, फ्रंट बैक हो जाएगी, मतलब अगर जैसे ऐसे वाली बॉल है तो उसको मैंने सेंटर से ऐसे कट कर दिया, जैसे डस्टर देखो थ्री डी में है, तो अगर मैं इसको देख रही हूँ इस तरह से ऐसे है तो उसको मैं सेंटर से कट कर दू, यहां से इसको मतलब दो पीसेस बना दी। तो इसी तरह से अभी ऐसे मैं ले रही हूँ, तो अगर मैं इसको यहां से कट कर दू तो ये क्या हो जाएगा, बैक और फ्रंट वाला पार्ट हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, एक ऐसा भी प्लेन है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, तीनों एटम से पास कर, जो सेंटर वाला था उससे सिर्फ ऑक्सीजन वाली बॉल जो थी वो कट हुई थी, ये वाले दोनों ऐसे ही थे अनकट। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्लेन को इस तरह से डाल रही हूँ कि इसको भी कट करता हुआ ऐसे आ रहा है प्लेन, ये सारे एटम्स के बीच से, क्योंकि बॉल्स हैं वो तो सारे क्या करेंगे, तीनों बॉल्स कट जाएंगे बीच में से। तो अब ये क्या है, ऐसे वाला हो चाहे ऐसे हो, ये दोनों ये भी क्या है, पैरेलल है हमारे उसके, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी यहीं से है और प्लेन भी यहीं से आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी पैरेलल है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिग्मा वी। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तब होता
हॉरिजॉन्टल के लिए आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूं। जैसे सपोज कर रहे हैं हमारा है BF3, ये है BF3, हमें पता है हमारी C3 एक्सिस यहां से है ना। अगर मैं बात करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो यहां से हमारी C3 एक्सिस है, और अगर मैं क्या करूं यहां से वो कर दूं, यहां से सो कट कर दूं, प्लेन यहां से डाल दूं, तो क्या होगा, वो भी पूरा कट जाएगा इधर उधर। मतलब ये वाली बोल्स तो कट गई, इसको बोल मान रहा हूं यहां से, इसको मैं आपको बोल मान रहा हूं, ये सारी क्या है बोल्स है ऐसे। तो जैसे हमने कट किया तो ये वाली बोल्स तो हाफ ऑफ हो गई, और जैसे ये वाली बोल है वैसे ये वाली बोल है, तो मतलब ये सिमेट्रिकली कट हो गया है। तो ये क्या है, यही तो हमारी एक्सिस थी, और इसके साथ में हमने प्लेन डाल दिया, तो मतलब जो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, पैरेलल है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा वी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस वाले प्लेन की जगह पे इस तरह से प्लेन डाल सकते हो, मतलब इन दोनों को कट करता हुआ। अब क्या होंगे, ये दोनों बोल्स तो कट जाएंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या है, सिग्मा वी। ऐसे ही आप यहां से भी कर सकते हो, वो भी क्या होगा, सिग्मा वी। अब एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये C3 है, यहां से जो C3 है, अब मैं इसको पूरा कट करूं ऐसे, जैसे कि मैंने वॉटर मॉलिक्यूल में कट किया था, पूरा प्लेन इस तरह से डाला था कि तीनों एटम्स को कट करता हुआ आए। अब मैं चाहती हूँ ऐसा प्लेन डालू, मतलब इस बोर्ड के पैरेलल इस तरह से पूरा कट करता हुआ, तो क्या होगा, इतनी मोटी मोटी बोले, जितनी भी बोल सही वाली ऐसे वाली, तो आप स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, तो क्या होंगे, बीच से कट जाएंगे, इस तरह से कटेंगी। तो जो ये वाला प्लेन डलेगा ऐसे, जो इन सारी बोल्स को बीच से कट करेगा, इस तरह से कट करेगा, बेसिकली ये है मेरी C3 एक्सिस, और ये वाला जो प्लेन है ये इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या बनेंगे हम, सिग्मा एच। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं सिग्मा एच, जो सिग्मा एच होता है वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको समझ आया सिग्मा वी और सिग्मा एच हम कैसे देखते हैं, इसमें सिग्मा एच नहीं है, वॉटर मोलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है हमारी प्लेन ऑफ, ये है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहीं से हमारा प्लेन है, ये वाला प्लेन भी ऐसे ही है और ये वाला प्लेन भी ऐसे ही है, तो ये दोनों ही क्या है, सिग्मा वी। अब जैसे मैंने आपको एक्सिस के लिए बताया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस CN होती है, तो हमारे पास या तो N नंबर ऑफ C2 होती है या फिर 0 नंबर ऑफ C2 होती है, तो यही सेम रूल हमारे पास क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉटर मॉलिक्यूल देख रहे हो ऐसे, ये वॉटर मॉलिक्यूल है, आपको पता है यहां से हमारे पास क्या है, C2। ठीक है, अगर हमारे पास C2 है, अब अगर आपको एक भी सिग्मा वी दिख जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगे, दो सिग्मा वी। जैसे यहाँ पे C2 है, तो या तो 2 सिग्मा वी होंगे या फिर 0 सिग्मा वी होंगे। इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में C3 है, तो या तो उसमें 3 सिग्मा वी होंगे या फिर 0 सिग्मा वी, इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हम क्या देख रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस की बात कर रहे थे, मतलब अगर C3 है तो C2 अगर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब्सिडरी एक्सिस। बट यहाँ पर क्या है, हमें प्रिंसिपल सब्सिडरी से मतलब नहीं है, यहाँ पर बस हम इस तरह से देख रहे हैं, हाँ प्रिंसिपल से मतलब है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे सपोज करो C3 किसी में है अगर, तो वहां पे 3 सिग्मा वी होंगे, इस तरह से आपको देखना है, और जैसे या फिर 0 सिग्मा वी होंगे। अगर हम बात करें वॉटर मॉलिक्यूल की, उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, वो हमारे पास C2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है ये, तो या तो यहाँ पे 2 सिग्मा वी होंगे या फिर 0 सिग्मा वी होंगे। अगर आपने वॉटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, आपको दिख गई है C2 एक्सिस, और आपको ये भी दिख गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको एक दिख गया है तो आपको दूसरा ढूंढने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे C2 है इसमें और 2 सिग्मा वी है और सिग्मा एच नहीं है। एक और बात जो कि तो ऑब्वियस है बट कोई बात नहीं, बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिग्मा वी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, मतलब सिग्मा वी 1 भी हो सकता है, प्लेन में 1 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो सिग्मा एच होता है, सिग्मा एच ये या तो 1 होगा या फिर 0। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है, और यहाँ पर अगर सिग्मा एच है तो एक ही सिग्मा एच होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल होता है, या तो वो होगा मॉलिक्यूल में या फिर नहीं होगा, मतलब सिग्मा एच है तो 1 होगा मॉलिक्यूल में या फिर 0 होगा। अब आपको क्या करना है, देखो जो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको नहीं बताया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मॉलिक्यूल में आप ना ऐसे कर सकते हो, उसको बुक्स में अगर आप देखोगे जनरली, तो आपको ना इस तरह से लिखा होता है कि ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि 2 C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री।
ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि दो सी टू एक्सिस को बाइसेक्ट करे वो होगा हमारा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट ना ऐसा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, कई बार समझ में आता कब डायहेड्रल है कब वर्टिकल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मोलिक्यूल में सिग्मा एच होगा या फिर नहीं होगा। यहां पर यह सिग्मा एच प्रेजेंट है, यहां पर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो जब सिग्मा एच प्रेजेंट होगा तो हम सिग्मा वी को सिग्मा वी ही बोलेंगे, अगर सिग्मा एच एब्सेंट है तो जो सिग्मा वी है उसको हम सिग्मा डी बोल देंगे। आपको समझ में आया, हम क्या करते हैं जो ये डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये दोनों ही क्या होते हैं पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमें पता कब चलेगा कब हम उसको डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बुला रहे हैं कब वर्टिकल बुलाना है, तो आप वो डिपेंड करेगा हमारे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप सिग्मा वी को सिग्मा वी ही बोलोगे, अगर आपका सिग्मा एच एब्सेंट है मॉलिक्यूल में तो जो भी सिग्मा वी है उनको आप सिग्मा डी बोल दोगे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से होता है। अब ना देखो, अब यहां से एक ये वाली बात भी आती है कि मैम जो ये वाला है यहां पर हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पे सी टू एक्सिस है दो सिग्मा वी है और सिग्मा एच नहीं है, तो क्या यहाँ पर हम सिग्मा वी को सिग्मा डी बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, सिग्मा डी ना स्पेशल केसेस में बोलते हैं, मतलब देखो एक ये वाली बात सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमेशा ही दो सी टू के बीच में से आपको दो कंडीशन है, एक तो ये वाली है कि सिग्मा एच जब नहीं होगा तो हम सिग्मा वी को सिग्मा डी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है प्रोवाइडेड, कंडीशन है ये प्रोवाइडेड प्लेन ऑफ सिमेट्री बाइसेक्ट्स टू सी टू एक्सिस, मतलब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको टू सी टू एक्सिस को बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा और उसके बाद सिग्मा एच एब्सेंट होना चाहिए तब हम सिग्मा वी को सिग्मा डी बोल देंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें हमारा पीटीसीएल 4, अगर हम यहां पर कंसीडर करते हो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो आप क्या करोगे, हमारे पास सी फोर एक्सिस है फोर सी टू है और उसके बाद अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां से अगर मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे आपस में, तो ये क्या है सिग्मा वी। अगर ऐसे हम देखें ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है और यहीं से मैं बाइसेक्ट करती हूँ क्या है पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है मतलब एक सिग्मा वी है और एक सिग्मा वी तो होता नहीं है, कितने होंगे फोर सिग्मा वी। अब अगर हमारा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं यहां से भी तो पास कर सकती हूँ इसको सब जो सबको कट करेगा तो वो क्या है सिग्मा एच। अब यहां पर क्योंकि सिग्मा एच आ गया है तो आप सिग्मा वी को सिग्मा वी ही बोलोगे, चाहे वो सी टू को बाइसेक्ट करे चाहे ना करे आप ये कंसिडर करोगे। इसके लिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है क्योंकि बुक्स में कई बार क्या लिखा होता है जो फोर सिग्मा वी है यहाँ पे लिखा होता है दो सिग्मा वी है इसमें से और दो सिग्मा डी है, बट इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते क्योंकि जब हम पॉइंट आगे बताऊंगी इस वाले केस में हम क्या करते हैं हमेशा इसका पॉइंट ग्रुप होता है डी फोर एच। ठीक है, डी फोर एच होता है, बाकी एक होता है डी फोर डी भी हो सकता है कभी कभी, मतलब इसमें नहीं ये वाला डी फोर डी नहीं है, अगर यहाँ पर सिग्मा डी होता है डी फोर डी लिखना पड़ता लेकिन इसका पॉइंट ग्रुप होता है डी फोर एच। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे दो को ऐसे डिवाइड नहीं करते फोर सिग्मा वी ही रहते हैं। उसके बाद अगर हम कंसीडर करें फॉर एग्जांपल बेंजीन, अगर हम कंसीडर करें बेंजीन इस तरह का होता है तो यहाँ पे कहें देखो छह एटम्स हैं, छह कार्बन एटम्स हैं, अगर मैं यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रही हूं यहां से अगर पास कर रही हूं ऐसे करके तो क्या होगा सेंटर से है मैं इसको अगर रोटेट करूं तो क्या होगा मेरे जो छह कार्बन एटम्स हैं वो रोटेट कर रही है तो इसका क्या मतलब इसमें क्या है सी सिक्स। उसके बाद अगर आप कहीं से भी पास करा के देखो ऐसे करके इसको अगर आप ऐसे मैंने एक्सिस पास करे यहां से अब ऐसे आपको रोटेट करो तो इसकी प्लेस ले लेगा इसकी प्लेस ले लेगा तो मतलब ये क्या है सी टू एक्सिस और आपको अगर एक ही सी टू दिख रही है तो मतलब कितनी है उसमें सिक्स सी टू। इस तरह से है। अब क्या है यहाँ पे आपका ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस और यहां से आप प्लेन पास करो सबको कट कर देगा मतलब उसमें क्या है सिग्मा एच भी है और सिग्मा वी तो है ही क्योंकि यहां से जब कट करोगे पूरा तो पूरा मॉलिक्यूल जो होगा दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो सिक्स सिग्मा वी। इस वाले केस में हम क्या करते हैं सिग्मा वी को सिग्मा डी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप अगर आगे निकालेंगे हम क्या होता है डी सिक्स एच उस तरह से हो जाता है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि दो सी टू एक्सिस से पास मतलब दो सी टू एक्सिस को बाइसेक्ट करना चाहिए प्लेन और उस पर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अभी मुझे कोई एग्जाम्पल स्ट्राइक नहीं कर रहा है कोई ऐसा एग्जाम्पल मतलब जिसमें दो सी टू एक्सिस को बाइसेक्ट भी करे और उसमें सिग्मा एच एब्सेंट भी हो तो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इस तरह एग्जाम्पल। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उसके बाद इम्प्रॉपर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।